नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइबर जो होता है वो एक परिवार की तरह होता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना कोई बाबा हूँ, मैं आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ। तो प्यारे दर्शकों, क्या परिवार से कुछ ऐसी बातें बताना चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो? नहीं बतानी चाहिए। क्या YouTube परिवार के व्यक्तियों से ऐसे टोने टोटके बताए जाएं जो असंभव हैं? एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि शनिवार को एक मोमोज खाते हुए इस मंत्र को पढ़ लें, तो आप भूत भविष्य वर्तमान सबका बताने लगेंगे। इस दिन जाके आप पेड़ के नीचे ऐसे बोल दो, आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। ये सीधा सीधा अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ बनाने का और व्यूवर्स बटोरने का एक फंडा होता है। प्यारे दर्शकों, किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बताना इतना आसान नहीं होता जितना लोग कह देते हैं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि भूत भविष्य वर्तमान बताने की ये साधना है, भूत भविष्य बताने की ये उपाय है, भूत भविष्य बताने का ये साधन है, इसे करिए, लाभ उठाइए, तो आपको सबसे पहले प्रश्न ये करना चाहिए, गुरुजी आप तो सबको बता रहे हैं, क्या आपके अंदर ये क्षमता है? या आपको स्वयं आंकना चाहिए ऐसे गुरु के पास जाके, वो चाहे मैं हूं कोई भी हो, आपको आंकना चाहिए कि जो गुरुजी दावा कर रहे हैं क्या उनके अंदर ये ताकत है कि इधर का उठा के उधर परोस दिए, उधर का उठा के उधर परोस दिए। क्योंकि विवर्स मैं बता रहा हूं, विवर्स क्या होता है, सब्सक्राइबर क्या होता है, एक परिवार का हिस्सा होता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी कोई अगर आपका गुरु या आपके चैनल देख रहे हैं और ऐसे लुभावने, वो चाहे मैं हूं, मैं भी थंबनेल बना के लिख दूं कि एक घूंट पानी पढ़कर, एक घूंट पानी ये मंत्र पढ़कर पी लो, आप सबके बारे में भड़बड़बड़बड़ बताना चालू कर दोगे, तो सीधा सीधा हम अपने सब्सक्राइबर को या तो उल्लू समझ रहे हैं या तो अक्लहीन समझ रहे हैं, और उनको मैं पोपट बना रहा हूं। सब्सक्राइबर एक देवता होता है, आपके परिवार का एक हिस्सा होता है, उससे किसी प्रकार का छल कपट करना बहुत बड़ी बुरी बात होती है। आज एक हमारे दरबार में आए थे, वो कहीं गए थे, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी चीज का दावा कर रहा हूं तो आपको मेरे पास भी आके इस चीज को आजमाना चाहिए। हो सकता है इस वीडियो से कुछ लोगों को पीड़ा होगी और उन्हीं के लोग इस वीडियो के कमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे, तो उनका भी स्वागत है कि आप अपना कीमती समय हमारे पीछे बर्बाद कर रहे हैं। आपको ईश्वर यही लायक छोड़े, आप मेरे तरीके लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते रहें, ये आशीर्वाद देते हैं आपको। तो चलिए आज हम बताते हैं एक ऐसा उपाय कि इसको करने से एक योगिनी प्राप्त होंगी। ये योगिनी आपके साथ कान में ये लकड़ी लगाओगे तो सामने वाला अगर सामने बैठा है तो किस काम से आया है, क्या खा के आया है, कितने बजे घर से चला था, आगे एक साल तक उसके साथ क्या होगा, उसके बाद का नहीं बता पाएगा कि जिंदगी में क्या होगा, अगले एक वर्ष में क्या होगा और पिछले वर्ष में क्या हुआ। ये धनात्री विद्या का एक बहुत बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। एक लकड़ी है, हमारे आपके आसपास बहुयात मिल जाती है और इस पर अनेकों अनेक तंत्र हैं। नाथ संप्रदाय में इसके तो बहुत बड़े चमत्कारी प्रयोग दिए गए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उस वृक्ष का नाम है आकड़ा। आकड़ा नील पुष्प वाली, ध्यान रखना, श्वेतार्क नहीं, रक्तार्क, लाल बैगनी फूल वाली, देसी। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कैसा होगा, पूरी वीडियो बगैर बढ़ाए देखना ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको किसी की वीडियो अच्छी नहीं लगती या जल्दीबाजी में है तो वहीं पर आप उसको बंद करके अपने काम में लग जाएं, फालतू समय ना गंवाएं। तो ये बैगनी फूल वाली जो शिव जी को प्रिय है देसी आंकड़े का पेड़ सबसे पहले ढूंढ लेना है, और ये साधना आपको
अमावस्या से प्रारंभ करना है और अमावस्या तक का पूरे महीने चलेगी। सिर्फ उस पेड़ के पास जना अमावस्या को नहा धो करके सबसे पहले एक पीला धागा बांधना है। गणेश जी का मंत्र आपको ओम गं गणपते नमः, इसको 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय, वो 11 बार। फिर आपको 5 चक्कर उसका सीधे घूमते हुए हाथ में चावल 1 रुपये का सिक्का लेते हुए बोलना है, नीचे धरती ऊपर आकाश, हमारा निमंत्रण आपके पास, करो मेरे दिल की पूरी आस। अब ये साक्षी हो गए, आसमान भी धरती भी हो गया कि हाँ इन्होंने निमंत्रण फला काम के लिए दिया है। इसके बाद वो चावल और सिक्का उसकी जड़ में डाल दें। अब आप श्वेत आसन लगा के वहाँ बैठ जाएं, सफ़ेद आसन लगा के वहाँ पर बैठ जाना है। ध्यान रखना है, सफ़ेद आसन और लाल चंदन की माला से आपको जो मंत्र दे रहा हूँ, दक्षिण मुख होके उस पेड़ के नीचे 2 अगरबत्ती जला देना है। उसके ऊपर सबसे पहले सेंट छिड़केंगे, कोई भी सेंट हो, इत्र एल्कोहल वाला ना हो। फिर सिंदूर लगाएंगे पेड़ के ऊपर, फिर 2 पेड़े का भोग लगाएंगे, उसके पश्चात अगरबत्ती लगा देंगे, कोई भी ऋतु फूल हो फल हो वो रखना है। और आपको रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, रुद्राक्ष हो तो लाल हो और चंदन भी हो तो लाल हो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मंत्र दे रहा हूँ उसकी 11 माला करना है। 11 माला करने के बाद पुनः आप प्रणाम करें, आसन वहाँ से उठाएं और जो चढ़ाई हुई चीज़ है वहीं छोड़कर चले आएं। ऐसा नित्य आपको करना है। रात्र को आप 7 बजे से 11 बजे के बीच कर सकते हैं, सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच, सॉरी 3 बजे से 6 बजे के बीच आप कर सकते हैं। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब होगा क्या, जब नेक्स्ट अमावस्या आएगी तो उस दिन आपको खीर ले जाना है। वहाँ पे एक पावर प्रकट होगी और पावर प्रकट होने के साथ आपको शक्तियाँ तो दूसरे चौथे दिन से ही दिखना चालू हो जाएंगी। उनसे बोलना नहीं है, कोई भी कितना भी आए कितना भी डराए, कुछ आपको डरना नहीं है, बोलना नहीं है। रक्षा मंत्र, हमारी चमत्कार नमस्कार को वीडियो में बहुत सारे शरीर बंधन का, रक्षा बंधन का कोई मंत्र आप देकर बंधन भी कर लेना। नहीं जानते हैं तो बंधन मैं बता दे रहा हूँ, बजरंग बाण होता है, उसको सिंदूर के ऊपर पढ़कर चारों तरफ छिड़क लेना, ठीक है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। जब खीर ले जाएंगे अमावस्या को, वो चीज़ आएगी पावर, छोटी छोटी एक पुतलियाँ जैसी रहेंगी, और वो खीर मांगेंगी तो आपको बोलना है खीर अभी नहीं देंगे, जाओ इस डाल पे बैठो। और जैसे वो डाल पे बैठेंगी आप खीर दे देना, वो खीर खाने में मस्त हो जाएंगे। आप जाना और डाल को ऐसे पकड़ना दोनों हाथ से और इस तरीके करके एक बार में तोड़ लेना, डाल को तोड़ लेना। डाल का जितना भी टुकड़ा आएगा हाथ में वही तुम्हारा है, बाकी जो लगा रहेगा छोड़ देना। पूरा आ जाता तो पूरा, वो तुम्हारे अंदर है। कि डाल बहुत मोटी भी मत बताना, नहीं तोड़ नहीं पाओगे, छोटी पतली बता देना कि इस पर बैठो। ऐसे मारना, भड़ से तोड़ना, जैसे गन्ना के खेत में, गन्ने के खेत में हम लोग गन्ना नहीं तोड़ते थे बचपन में खेतों में, उस तरीके से तोड़ना है। तोड़ते ही वो एक साउंड के साथ, जैसे किसी कुकर से सीटी निकलती साय के साथ, वो गायब हो जाएगा। और वो गायब नहीं हुआ होगा, वास्तव में उसी लकड़ी के ऊपर वो उसका वास हो जाएगा। उस लकड़ी को अपने बलिस्ते से, वहाँ से 2 बलिस्ता अपने हाथ से लेखना और बाकी तोड़कर 2 बलिस्ता वाला हिस्सा अपने साथ ले आना। लाल कपड़े लपेटकर इसके ऊपर चंदन का थोड़ा सा बुरादा छिड़क देना और सेंट लगा देना। अब आप तैयार हैं। किसी के बारे में जब कुछ बताना हो तब क्या करना है, सबसे पहले जहाँ बैठना उस आसन को गंगा जल छिड़के, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने गुरु अपने माता पिता का ध्यान करें। उसके पश्चात उस लकड़ी को आप गदे में भी डाल सकते हो दिखाने के लिए कि ये गदा है, या उस लकड़ी को आप तलवार बना सकते हैं फरसे में कि हाँ ये परशुराम जी का फरसा है, परशुराम जी आके बताते हैं, गदे में हनुमान जी आके बताते हैं,
यानी किसी प्रकार का आप उसको प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से ना करके किसी इंस्ट्रूमेंट में आप उसको लगा लें या वीणा में लगा लें। माता सरस्वती सब बताती हैं, ठीक है, आजकल जैसे चल रहा है। मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ तो लोगों का जो रुझान आता मेरे प्रति, आप लोग जानते होंगे कैसा आता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं लगा पाता हूँ। तो वह मंत्र जैसे आप पढ़ना चालू करेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, शक्तियाँ आ जाएंगी। आने के बाद आप उसको एक बार ऐसे घुमाए, कोई भी जय बालाजी या कोई भी चीज़ ऐसे बोल के करोगे, बस आपके कान में आकाशवाणी केंद्र खुल जाएगा। एक बैठक में आप जितने लोगों को बताना चाहें बता लेंगे, क्या खा के आ रहा, क्या पी के आ रहा, क्या करके आ रहा, क्या नहीं करके आ रहा, एग्जैक्टली सब कुछ बता लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरी साधना में परहेज ब्रह्मचर्य का रखना है, तेरहवीं और जो मृत भोज वो नहीं खाना है। उतने दिन आपको सेविंग यानी नाई आपका कहीं कटिंग ना करने पाए, नाखून नहीं दांतों से काटना है। भोजन सात्विक करना है। माता पिता की सेवा जरूर करें, अगर आपके माता पिता नहीं है तो बड़े भाई हों, शाम को उनका ही हाथ पांव पकड़ के बैठ जाएं, थोड़ा से दबा दें या सेवा कर दें। जितना आप बड़ों की सेवा करेंगे उतने ही साधना में सफल होंगे। साधना सफल होने के पश्चात आप 9, 10, 11 जो बन सके ऐसी कन्याओं को भोजन करा दें और संकल्प लें कि प्रतिदिन हम कोई नेक काम करेंगे, प्रतिदिन हम कोई अच्छा काम करेंगे, नेकी करेंगे। नेकी का एक बैंक बनाइए। आलोचना करने वाले क्या करते हैं, जो जैसे मैं हूँ, दिन भर पूजा पाठ किया, आज ये रुद्राभिषेक, कल वो किया, करने के पश्चात हमने अगर किसी की आलोचना कर दी तो जितना लेवल हमारा कर्म का है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो धर्म राष्ट्र और समाज के प्रति दुर्व्यवहार कर रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सभी का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और मैं एक निवेदन करूँगा कि हम इंस्टाग्राम पे भी हैं और आप जैसा सभी जानते हैं फेसबुक शॉर्ट्स पे भी हैं और सबकी लिंक्स हमारे अबाउट में पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी हुई हैं। जहाँ 100 अच्छे होते हैं वहाँ 10 बुरे भी हो जाते हैं, खाली बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, उल्टा सीधा कमेंट भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सनातन हमारा धर्म है, हम बटे हैं इसीलिए कटे हैं, बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।